वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में शुरू होने वाला है अब एक बेहतरीन ड्रामा, जहां पर अब एक बार फिर से ब्लेम किया जाएगा राजवीर को पलकी की शादी टूटने की वजह। और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में पलकी डिफेंड करते हुए नजर आएगी राजवीर को। और आने वाले एपिसोड में शुरू होगा एक ऐसा खेल जिसे देख कर आप काफी ज्यादा चौंकने वाले हैं। राजवीर और शौर्य फिर से आमने सामने आएंगे। शौर्य अब यहाँ पर फंसने वाला है सबसे बड़े जाल में, जहाँ पर इवेंट के अंदर एंट्री करने के लिए राजवीर जल्दी से ही और यहाँ पर जबरदस्ती भाग जाता है अंदर, और उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी भी आती है। और यहीं पर शुरू होता है असली खेल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि राजवीर पहले यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होगा शौर्य को देखकर। शौर्य उसको फिर से मजाक उड़ाएगा, लेकिन शौर्य का असली चेहरा वो सबके सामने लाने वाला है, जहां पर उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले एपिसोड में और भी बहुत कुछ खास दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पलकी अब उसकी शादी टूटने वाली है, और उसके साथ साथ उसकी शादी टूटने की वजह कुछ और नहीं, यहाँ पर उसका राजवीर के साथ में जाना, और उसके साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह से राजवीर के पास में ही हमेशा रहना। यहाँ पर बार बार राजवीर का नाम आने की वजह से अब पलकी की शादी भी टूटने वाली है, जिसके बाद में यहाँ पर पलकी और उसके साथ साथ राजवीर एक दूसरे को यहाँ पर फिर से एक वही निगाह से देखेंगे, जहाँ पर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यहाँ पर उसके नर की बात भी सच होने वाली है। और आने वाला एपिसोड सबसे ज्यादा धमाकेदार तो तब बनेगा जब प्रीता के सामने आने वाला है अब यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लैशबैक, जहां पर उसे कुछ ऐसी बातें याद आएंगी जो कि उसके और लूथरा परिवार से जुड़ी होंगी, और उसको यहां पर अब पूरी तरह से थोड़ा बहुत अपने आप पर कंट्रोल रखकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या ये बातें राजवीर को पता चल पाएंगी? क्या उसे पता चल पाएगा कि यहां पर अब प्रीता को कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं या फिर नहीं? वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और बात करते हैं एक सबसे बड़े ट्विस्ट की, तो जो कि आने वाला है वो भी यहाँ पर प्रीता और करण से जुड़ा हुआ। एक बार फिर से मिलेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।